मुंडापाड़े थाना क्षेत्र के गांव में दबंगों ने 22 तारीख को एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत पीड़ित ने बुधवार को थाना मुंडापाड़े में लिखित रूप में दी थी। उसके बाद भी थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। युवती का आरोप है कि उसके साथ 22 मार्च को थाना मुंडापाड़े के दौलरा में आम के बाग में दुष्कर्म किया गया है। पीड़ित के मुताबिक उसके साथ धोखा करके दूध पिला दिया गया, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसके बाद पीड़िता के साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने मुनाजारी पत्नी रिजवान मुड़िया मलूकपुर निवासी, नदीम पुत्र इरफान निवासी दौलरा का मजरा तथा दानिश पुत्र शहजादे उर्फ उस्मान निवासी भंबार के मिलक के खिलाफ थाना मुंडापाड़े में 28 मार्च को शिकायत की थी। शिकायत के बाद भी थाना पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराना तक उचित नहीं समझा और रिपोर्ट भी नहीं दर्ज की। कार्यवाही नहीं होने से दबंग परिवार के लोगों ने पीड़िता पर फैसले का दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिससे पीड़िता ने अपनी जान का खतरा बताते हुए मुरादाबाद एसएसपी कार्यालय पहुंचकर दबंग लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग की है। क्या नाम है उनकी? खाला कहाँ की निवासी है? फिर क्या हुआ? आवाज़ देनी उनकी बहन के लड़के आ गए थे, उन्होंने बुला लिया, उन्होंने मुझे भी आवाज़ देनी, मैं चली गई, उन्होंने दूध का गिलास दिया, उसमें कुछ नशा दे दिया, मैं फिर उन्होंने गाड़ी बिठा दिया, वहाँ पर चली गई। फिर क्या हुआ? फिर वो दो लड़के थे, एक का नदीम नाम था, एक का दानिश। फिर कहाँ ले गए? वो दौलरा के बाग में ले गए। फिर क्या हुआ? अपनी खाला के हाथ। अच्छा, क्या क्या गए यहाँ से? फिर क्या आपने से शिकायत पुलिस में करी? करी थी हमने, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। आप कहाँ आए हो? आप क्या चाहते हो? हम तो इंसाफ चाहते हैं। अगर आपकी यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो फिर कहाँ जाएंगे आप? गांव काटने गई अपने अबू के संग, अपने अबू के गांव काटने गई, उनके साथ आ गई गांव काट के, बुनाजी नाम की, तो उन्हें बुला लिया, तो उन्हें बुला के और अपने घर बुलाई, तो उन्होंने बुलाए अपने भांजे, तो भांजे बुला के अपने और उन्हें घर को बुला कर, और घर को बुला कर उन्हें दूध पिलाया गिलास भर के, दूध पिला के गिलास भर के, और फिर गाड़ी में बिठाया, गाड़ी बिठा के लौड़े ले गए दोनों, जब दोनों लौड़े ले गए वहाँ को, तो उन्होंने मंजरे में भर गए वहाँ बदतमीज वो करी लौड़ा बने, फिर वहाँ से आन के फिर पता लगाया मैंने गई ना लौड़िया कहाँ, मेरी लौड़िया कहाँ बोली ना चची हमें ना पता कहाँ है तेरी लौड़िया, फिर वहाँ से आन के मैंने ढाई ढाई करी और घर आन के मैं बैठ गई, फिर इन्हें फ़ोन करा ना नाजिया ना कहाँ है लौड़िया, तो ना वो क्यों क्या बात है ना, तू वापस लिया उनकी अम्मा ढूंढ रही है ना, तू जैसा आया ऐसे जैसे ऐसे जैसे ले कर गया ऐसे ही आ जा वापस लौट के, वापस लौट के लिया दूसरे रास्ते जहाँ से रास्ते पर लेके गया उस रास्ते पर न लाया, दूसरे रास्ते पर लेकर आया घर को आ गया, वो अपनी खाला घर रास्ते में छोड़ गया, वहाँ से आने के लौड़िया घर आ गई, मैंने पूछी ना दादी कहाँ गई, तो ना बताई रोन लगी ना मैं कहीं ना गई, मैं हाई ताई के घर बैठ गई, पद्दी ताई के घर बैठ गई, यहाँ से इनने बहाने लिए, जब बहाने लेकर इन्होंने ना बात बताई, मैंने पूछने गई वो नाजिर बताते क्या बात है क्या ना है, तो ना चाची मुझे नहीं पता क्या मालूम है, फिर हम अपने घर बैठ गए, जब बैठ गए तो हमने अपनी थाने में गिल्ला करा लौड़िया का, जब जाकर उन्होंने करी तो इन्होंने हमारी नहीं सुनी आई ना सुनी उन्होंने, तो फिर हम खुद बैठ गए, तो लौड़िया बोलिए ना वैसा, जब ना मेरी ना सुनवाई बोली तो मैं खुद खुद करके आऊँगी।